सफर जिज्ञासा का। यह अनुभव है मनोरम सा, एक लक्ष्य अंतर मन का। ये प्रयास है परिवर्तन का। कर्नाटक के शहर श्रवणबेलगोला में स्थापित गोमटेश्वर भगवान बाहुबली का ये प्राचीन मंदिर हमें अपने खोए हुए अस्तित्व के पास ले जाता है। भगवान बाहुबली की इस विशाल प्रतिमा को देखकर आत्मा मंत्रमुग्ध हो जाती है और इसके आगे सर श्रद्धा से स्वतः ही झुक जाता है। पहाड़ तराश कर बनाई गई ये 57 फुट ऊंची प्रतिमा न केवल दुनिया की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमाओं में से एक है, बल्कि इसकी गिनती भारत के 7 अजूबों में भी होती है। यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण से मन जुड़ सा जाता है। यहाँ आए दर्शनार्थियों को इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही शांति और उल्लास की अनुभूति होती है। स्थिरता और अनुशासन के प्रतीक भगवान बाहुबली आज के युग में अपनी शांति, त्याग और अहिंसा के संदेश के साथ और भी प्रासंगिक होते जाते हैं। भगवान बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रतापी सम्राट ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव अपना राज्य अपने बेटों में बांटकर तपस्या करने निकल जाते हैं। उनके बड़े बेटे भरत चक्रवर्ती सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा में अपने छोटे भाई पोधनपुर के राजा बाहुबली के पास अपना दूत भेजते हैं। भाई के रूप में आदर करता हूँ, पर अधीनता स्वीकार नहीं, युद्ध के लिए मैं भी सिद्ध हूँ, ये कह के बाहुबली दूत को लौटा देते हैं। फलस्वरूप दोनों की सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं। अजीब विडंबना थी। शांति का संदेश देने वाले ऋषभदेव के दोनों पुत्र एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर थे, जिसमें जन और धन की हानि निश्चित थी। इसका एक बहुत ही सुंदर उपाय निकाला गया। ये तय हुआ कि सैनिक युद्ध के बजाय बाहुबली और भरत के बीच 3 प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें दोनों के बीच धैर्य, संयम और शक्ति की परीक्षा होगी। ये प्रतियोगिताएं थी नेत्र युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। बाहुबली भरत को तीनों युद्ध में हरा देते हैं। हार के अपमान से कुपित भरत बाहुबली पर अपने चक्र रत्न से प्रहार करते हैं, किंतु चक्र रत्न बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा करके उनके पास ही स्थिर हो जाता है। भाई द्वारा भाई पर सत्ता प्राप्त करने के लिए किए गए इस वार से बाहुबली को विरक्ति हो जाती है। बाहुबली अपना राज्य त्याग कर वन में चले जाते हैं और 1 वर्ष कायोत्सर्ग आसन में खड़े रहकर कठिन तपस्या करते हैं। उनके पैरों में लताएं और सर्प लिपट जाते हैं। चींटियां उनके आसपास अपना घर बना लेती हैं, पर वो अपनी तपस्या में अडिग खड़े रहते हैं। मैं अपने बड़े भाई भरत को ये भूमि और राज्य सौंप चुका हूँ। मेरे दोनों पैरों के नीचे की भूमि भी मेरी नहीं, भ्राता भरत की है, जिस पर मैं खड़ा हूँ। ये आंतरिक भाव बाहुबली को था, इसलिए 1 वर्ष तक तपस्या करने पर भी बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भरत को इस भाव की जानकारी मिलने पर वे बाहुबली के चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं कि ये भूमि न तो मेरी न तेरी, वसुधा काहू की न भई। तब बाहुबली को तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति और ध्यान से सिद्धि, ये 4 संदेश भगवान बाहुबली स्वामी ने दिया है। ये विश्व शांति के लिए शाश्वत संदेश है। अहंकार को त्याग करने से, मायाचार को त्याग करने से, लोभ को त्याग करने से शांति मिलती है।
आज तक धार्मिक इतिहास में उनकी जैसे तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। इसे कठोर तपस्या, उनकी सहनशीलता, उनके उपवास, 365 दिन का अन्न जल त्याग करके कोई खड़े हो सकते हैं क्या? आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण प्रांत के गंगवासी राजा के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय अपनी माता को भगवान बाहुबली की मूर्ति के दर्शन करवाने पोदनपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा में एक रात्रि के लिए उन्हें कवलप्पू यानी आज के श्रवण बेलगोला में रुकना पड़ता है, जहां उनकी माता को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में कुष्मांडिनी देवी उनसे कहती हैं कि वहां उपस्थित छोटे पहाड़ चंद्रगिरी से बड़े पहाड़ विंध्यगिरी की तरफ बाण चलाने से बाहुबली के दर्शन होंगे। अगली सुबह ऐसा करने से चामुंडा राय को विंध्यगिरी पर्वत पर बाहुबली के विशाल रेखा चित्र के दर्शन होते हैं। वो शीघ्र ही महान शिल्पियों को बुलाकर विंध्यगिरी पर्वत पर एक बड़े पहाड़ को काटकर बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाते हैं। कहते हैं इस प्रतिमा के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। चामुंडा राय को अपने इस कार्य पर गर्व होता है और वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक करवाते हैं। 1008 कलशों द्वारा जल, दूध, गन्ने का रस, चंदन आदि से उनका अभिषेक होता है। उनके अनेक प्रयत्नों के बाद भी कोई द्रव्य भगवान बाहुबली के हृदय के नीचे नहीं पहुंचता और अभिषेक पूर्ण नहीं हो पाता। तभी कुष्मांडिनी देवी एक वृद्ध महिला गुल्लिका अज्जी के रूप में अपने हाथ में एक छोटी सी लुटिया लेकर आती हैं। उनके अभिषेक करने पे बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक पूर्ण होता है और चामुंडा राय का अहंकार नष्ट होता है। गुल्लिका अज्जी द्वारा डाली गई छोटी सी लुटिया से एक श्वेत सरोवर का निर्माण होता है। कन्नड़ में श्वेत सरोवर को बेलगोल कहा जाता है, जिसके कारण इस जगह का नाम बेलगोला पड़ा। जैन मुनि का प्राचीन नाम श्रवण है, तो आगे चल के इसे नया नाम मिला, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला आने का मतलब है अपने श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में हर 12 वर्ष में भगवान बाहुबली स्वामी की महामस्तकाभिषेक महोत्सव संपन्न होता है। महामस्तकाभिषेक महोत्सव पर पूरा श्रवण बेलगोला जगमगा उठता है। इस 20 दिन चलने वाले महोत्सव में देश और दुनिया से लाखों लोग भगवान बाहुबली के दर्शन करने आते हैं। 57 फुट ऊंची प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक स्वतः में एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है। जल, दूध, हल्दी, चंदन इत्यादि औषधि गुणों वाले द्रव्यों से होने वाला ये अभिषेक किसी जल प्रपात के समान प्रतीत होता है। ये आयोजन दिगंबर जैन समाज का सबसे बड़ा आयोजन है। हर बच्चा बच्चा इंतजार करता है कि कब वो समय आएगा और कब हम भगवान का अभिषेक करने के लिए जाएंगे। इतिहास को जीवंत करती झांकियां, मन में उत्साह भरते गीत, परंपराओं को दर्शाते नृत्य और मानव एकता और त्याग का संदेश देता ये महामस्तकाभिषेक महोत्सव। अलग ही माहौल होता है। मैं आपको किन शब्दों में बताऊं? बीते वर्षों में भारत के कई गणमान्य लोग जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री पी वी नरसिम्हा राव, श्री एच डी देवेगौड़ा, श्री भैरव सिंह शेखावत और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस महामस्तकाभिषेक महोत्सव में शामिल हुए हैं। महामस्तकाभिषेक की एक सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें जितना भी पैसा आता है सब जन कल्याण के लिए लगाया जाता है, उनकी सुविधाओं के लिए लगाया जाता है। श्रवण बेलगोला में
कर्नाटका सरकार और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग रहा है और काम आगे बढ़ रहा है। अगला महामस्तकाभिषेक फरवरी 2018 में प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बहुत लोग आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, हमारे पूज्य श्री स्वामी जी का कहना है कि सब आएंगे लोग, उनको इतनी सुविधा मिलनी चाहिए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्थाओं में जुड़ें कि किसी को कहीं कोई तकलीफ ना आ जाए। अपनी मेहनत पूरी है, आगे देखिए, सब भगवान बहुत अच्छा करेंगे और जरूर बहुत अच्छा होगा। आई एम श्योर ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। सारा संघ आनंदित है इस बात के लिए कि इतनी दूर की यात्रा करके ये वृद्धों का समुदाय जवानों की तरह श्रवण बेलगोल की धरती पर पहुंच गया। ये बड़ा आनंद का विषय है। ये भगवान बाहुबली की भक्ति सबके हृदय में विराजमान थी, उसी का प्रतिफल हम मानते हैं। उन महान आचार्य का स्मरण करते हुए इस मस्तकाभिषेक के लिए मंगल कामना करते हैं कि सारे विश्व के लिए जो सुख की कामना है, सुख चाहते हैं, वे सभी सुखी हो, उनका मंगल हो, सबके लिए मंगलकारी हो। जीव रक्षा मात्र ही भगवान बाहुबली का उद्देश्य था, किसी को भी कष्ट ना हो। सब लोग अपने जान से प्यार करते हैं, सबके लिए अपने प्राण प्रिय है और इसलिए दूसरों की संरक्षण करना ही धर्म। जियो, जीने दो और जीने के लिए सहयोग दो। जब भगवान बाहुबली का सहज संदेश मन में उतर जाता है तो जीवन आनंद से भर उठता है, सेवा में संतुष्टि मिलती है, आतिथ्य में सुख मिलता है और परोपकार से शांति प्राप्त होती है। भगवान का संदेश और उनकी शिक्षाएं हमारी चेतना को जागृत करती हैं, जिससे आत्मा और शरीर के बीच कुछ नए पुलों का निर्माण होता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने अस्तित्व से जुड़ पाते हैं। योग, जिसका मतलब ही है जुड़ना। सब लोगों को हम यही आह्वान करते हैं, 12 वर्ष में होने वाला महामस्तकाभिषेक देखने के लिए सब आइए और सभी आकर के भगवान बाहुबली की भक्ति करें, पूजन करें और उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। लिव, लेट लिव एंड हेल्प टू लिव, दीज आर द 3 मैसेजेस फ्रॉम भगवान बाहुबली।